हमने कल जो आपने वीडियो देखा उसमें देखा, चौथा पार्ट हमने शुरू किया था और पार्ट का नाम था सदाचार। क्या नाम था? सदाचार, अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। कल हमने जो पढ़ा था उससे आगे शुरू करते हैं। अगला जो पेज है, कल हमने एक पृष्ठ पढ़ा था इसका और आज के लिए देखिएगा आगे का। ही बात चल रही थी आलस्य की और उसमें हमने पढ़ा था कि आलस्य हमारे शरीर का हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलस्य की ही तरह हमारे शरीर में स्थित अन्य शत्रु भी हैं। तो आलस्य के अलावा, आलस्य की तरह हमारे शरीर में और भी शत्रु हैं। कौन कौन से? देखिए, उनमें से एक का नाम क्रोध है। उनमें से एक का क्या नाम है? क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा। एक का नाम है क्रोध। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। ये अपना कल तक का कार्य था, ये आज का है। आज तारीख 15/9/20। तो एक उनमें से एक का नाम क्रोध है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध क्या करता है? बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में किए गए कार्य का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। और अगर हम क्रोध में कोई सा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। हमेशा हमारे लिए परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें क्रोध पर सदैव काबू रखना चाहिए। एक शब्द आया सदैव और एक आया काबू। सदैव का मतलब होता है रोजाना या हमेशा, नित्य। और काबू का अर्थ होता है नियंत्रण, नियंत्रण। या दूसरे शब्दों में कहें तो इसका हो सकता है वश। अपने वश में रखना चाहिए हमेशा। क्रोध पर सदैव काबू रखना चाहिए। कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रोध में किए गए कार्य का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए क्रोध पर हमेशा क्या करना चाहिए? काबू रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। हाँ, एक शत्रु अहंकार भी है। अहंकार, अहंकार का मतलब होता है घमंड। एक शत्रु कौन है हमारा? घमंड, अहंकार। विमल बहुत अहंकारी लड़का है। विमल बहुत घमंडी लड़का है। वह गरीबों को गंदा और कमजोर मानता है। गरीबों के साथ बुरा बर्ताव करता है। अहंकार एक बुरी आदत है। जिस तरह से आलस्य, जिस तरह से क्रोध बुरी आदतें होती है, उसी तरह से अहंकार, घमंड, यह भी हमारे जीवन में एक बुरी आदत है। ठीक है? अहंकार करने वाले को कोई भी पसंद नहीं करता है। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और अच्छा इंसान कौन होता है? वही होता है, वही बन सकता है जो कभी भी अहंकार नहीं करता। इसके अतिरिक्त हमारे अंदर होता है मन, जिसकी गति बहुत ही तेज होती है। अब इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में क्या होता है और अंदर क्या होता है? मन। ठीक है? जिसकी गति, जिसकी चाल बहुत ही तेज होती है। मन बहुत तेज दौड़ता है ना। हमें अपना मन काबू में रखना चाहिए। इसलिए हमारे मन को भी हमें वश में रखना चाहिए। जो अपने मन को काबू में नहीं रखते वे हमेशा कुछ ना कुछ गलत जरूर करते रहते हैं। और जिनका मन वश में नहीं रहता, जैसे कि आप क्लास कक्षा में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं और अचानक मन करता है कि हम पड़ोसी को छेड़े, बदमाशी करें, तो ऐसे समय में क्या होता है कि आप कोई ना कोई गलत कार्य जरूर करते हैं। तो मन को वश में रखना भी अत्यंत आवश्यक है। कुछ बच्चे पालतू और आवारा पशुओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो कुछ बच्चे विद्यालय से आते जाते समय आपस में छेड़छाड़ करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। और यह किसके वश की बात है? यह मन को वश में रखेंगे तो हम ऐसी गलत आदतें हमें नहीं होगी। इसलिए हमें मन को भी अपने काबू में रखना चाहिए। ठीक है? आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ निशान लगा लीजिए। हमने कुछ बुरी आदतों के बारे में जाना, हमारे मन की कौन कौन सी कैसी बुरी आदतें होती हैं। कल आपने गृह कार्य के रूप में शब्दार्थ किए थे। आज आपको गृह कार्य के रूप में यह पुस्तक कार्य करना है। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो हो सकता है हमारे पढ़े हुए अंश में से ही कुछ आए हों। जैसे बुरा कार्य करने वालों से लोग
क्या करते हैं, पढ़ा हुआ है पार्ट में से देख के इसका जवाब लिखना है, सही का निशान लगाना, अगर यह सही है तो इस पे निशान लगाएं, अगर यह शब्द सही है तो यहाँ निशान लगाएं, और यह शब्द सही है तो यहाँ निशान लगाएं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अच्छा कार्य करने वालों से लोग क्या करते हैं, किताब में देखें इसका जवाब ढूंढें। क्रोध किसे नष्ट कर देता है, यह भी अभी अभी हमने पढ़ा था, इसमें से कौन सा सही होगा इन तीनों में से, उस पर उसके सामने सही का निशान लगाना है। हमें किस पर काबू रखना चाहिए, इसमें भी हमने पढ़ा है आराम से, और आराम से आपको निशान लगाना है। खाली स्थान भरिए, देखो चार शब्द दिए हुए हैं, ये चारों शब्द इन्हीं खाली स्थानों में आने वाले हैं, लेकिन कौन से खाली स्थान में इनमें से कौन सा शब्द आएगा यह हमें अभी मालूम नहीं है, तो आराम से ध्यानपूर्वक किताब में देखते हुए किस खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा आपको ध्यानपूर्वक भरना है, इन चारों में से ही आएंगे। तो दूसरा प्रश्न भी करना है आपको और यह भी करना है। तीसरा है सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है, ठीक है। इनमें से जो आपके सामने चार वाक्य दिए हुए हैं क, ख, ग और घ, इनमें से सही कौन सा है इस पाठ के अनुसार और गलत कौन सा है, तो वैसा अगर सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का निशान इन सामने लगाना है, इनको अच्छी तरह से पढ़कर। आज का ये पुस्तक कार्य है आपके लिए, और पाठ को अच्छी तरह से जो पढ़ाया उस पाठ को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। आज के लिए बस इतना।